तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत करूँ फिर तो मैं एक और नए ब्लॉग में। तो सारे ठीक हो, उम्मीद करूँ सारे जमा ठीक हो गए, जमा मोजमो हो गए, जमा कच्चे काट रहे हो गए जिंदगी के। तो आज है तारीख 23 और आज है शादी मारे और मैं हूँ ड्यूटी पे। तो मैंने अब ड्यूटी छोड़कर मैंने शादी में जाना पड़ेगा। शादी में जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो बहना की शादी है, एक की तो दोपहर हो लीव बल्कि दोपहर हो जाएगी, मैं सो नहीं पता चलूँगी, 10:30 होली है तो उसकी बारात आनी है 12 बजे और एक की शाम की रात की है। तो 5 या 6 बजे पहुँचूँगी मैं जाके सार, और फिर मतलब कि सार में कोई फिर मैंने आगे जाना है, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर आगे जाना है सार से। तो इतने मैंने पता है शाम के 8-9 बज जाऊँगी, इतने पहुँचूँगी इतना तैयार तुर होकर ना, तो देखो क्या होता क्या नहीं। तो मैं जल्दी से निकल लूँ और साथ साथ हमें दिखाते चलूँगी कि मैं इंटरेस्टिंग होता चल लगा वो दिखाते चलूँगी। तो हम इतने मेरे ब्लॉग में नू ही बने रही हो। तो फाइनली मैं रेडी हो ली थी, मैंने सूट डाल लिया था, मैं इसार पहुँच ली थी और इसार पहुँचते वो देख मैप चल रहे है। तो इसार पहुँचती तो मेरी फ्रेंड आने लग रही है, मैंने ड्रेस दिलवा के ले आऊँगी एक बार। तो अब मैं जल्दी से जाकर ड्रेस ले आऊँ और देखूँगी फिर उसकी फिटिंग मरवानी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी फिटिंग मरवा के। और इतना मान लग रही है तो उसने मैं लेने जाने लग रही, उसने मेरी क्वार्टर की लोकेशन ना पता। तो फिर हम जाके मार्केट में सामान लेकर आवेंगी। और ये लोकेशन है ना, मैंने जोड़ा शादी में जाऊँगी वोड़ा की वर्ती यार भाई भी बोलने लग रही, मैंने देखू थी कितनी दूर है यहाँ तक, देख मैंने देखू थी कितनी दूर है यहाँ तक। और यार ये पिंपल देख लो यार मेरा, ठीक है ना होता, ठीक है ठीक है मैं जाऊँ जल्दी सी बाय। तो फाइनली ब्लॉक हूँ फाइनली दोस्तों, हम ही आ गए ड्रेस खरीदने, आज जो मेरी फ्रेंड को देनी है मेरी चुट मुट देख यार ये आई मैंने ड्रेस फाइनल करवाना है और ड्रेस हमें दिखा दूंगी, बताइए कौन सी फाइनल करनी है। और अब मैं हमेशा उड़ते लेकर जा करूँ, शो का नाम बता दो, गणपति जो यो है ना कौन सा यो राम चाटक भंडार का पास में जो मैं इंडियन ड्रेस आया करी, मैं हमेशा उड़ते लेकर जा करूँ, मेरी दुकान ही आई है, मैंने इशार मारना नहीं पड़ा है। इब देखूंगी थम बताइयो किसी की लागेगी, और इब इब वो भी सही है, ये पहन ले चाहे वो पहन ले तेरी मर्जी है, दोनों पहन के देख ले दोनों मतलब ठीक लगे वो देख ले। ड्रेस निकल रही है तो मेरी फिटिंग रेडी नहीं लगी, शायद जाकर देख लियो या फिर बिना समझा इतना सा सामान दिया है पेमेंट हो गया अपना हो गया था, दीदी ने फिटिंग कर दी थी तो मैं एक बार दोबारा और डाल कर देख लूँ जल्दी जल्दी, अपनी साइड कौन कैमरा मेरी साइड। तो मैं जल्दी एक बार और डाल कर देख लूँ ड्रेस, और मैंने जो सामान लेना था वो सामान भी ले लिया है। फिर जल्दी से अब मैं रेडी हो पाऊँगी और रेडी होकर फिर आप चला के साथ ही में, तो जल्दी बने रही हूँ एक बार। इतना मेरा फ़ोन आ गया है, मोनी कदर है, किसका फ़ोन है कट गया ठीक है कट गया भाई बाद में करूँ हमारा फोन कट गया। तो फ्रेंड्स आज ने मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लेकिन मैं बच गई। तो इसका मैं थामी साथ साथ मैं मतलब कि जिस तरह वीडियो आ गई ना वीडियो का साथ में मैं लगा दूंगी। एक जना का फोन आया, बोला नमस्ते बेटी, मैंने कहा कि नमस्कार अंकल जी, बोला सोनी का बोला, तो बोला बेटा आपका पापा ने आपका नंबर दिया था, आपका फोन पे नंबर होगा, मैंने कहा कि हाँ अंकल जी फोन पे गूगल पे दोनों चला इस नंबर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला
LIC के पैसे आने थे तो 17,000 रुपए थे, तो मैं 1 रुपए भेज रहा हूँ पहले आपके पास। मैंने कहा ठीक अंकल जी भेज दो, तो उन्होंने 1 रुपए भेज दिया। बोले आया बेटा, मैंने कहा कि हाँ आ गया अंकल जी। फिर बोले मैं 15,000 भेज रहा हूँ, मैंने कहा ठीक अंकल जी। बोला 15,000 आ गए, मैंने कहा कि हाँ आ गए अंकल जी, क्योंकि ऊपर मैसेज आ गया था। फिर बोला 2,000 और भेज रहा हूँ, मैंने कहा ठीक अंकल जी भेज दो। तो बोला 2,000 आ गए, मैंने कहा कि हाँ हाँ अंकल जी। रुक रुक रुको बेटा, 2,000 की जगह ना 1 0 फालतू लगी, तो 20,000 भेज दिए मैंने भूल से आपके पास। तो मैंने कहा कि देखो अंकल जी मैं, फिर मैंने देखा कि हाँ भाई 2,000 का 20,000 का मैसेज है वो। तो फिर मैंने कहा कि हाँ हाँ अंकल जी। बोला बेटा मेरा ना आप 18,000 वापस कर दो पेमेंट बेटा, मतलब कि बुढ़ा सा अंकल था बिल्कुल ही, हूँ यूँ लगा था जिस तरह की क्या बताऊँ, जिस तरह पूजा पाठ वाला बंदा को नहीं आ रहा है, राम राम बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी लग रहा था बिल्कुल, वो करना बेटा जी करके मेरी गोभी खुद था वो। तो फिर मैंने क्या था, फिर मैंने चेक कराया, फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने किसी नंबर दिया था, पापा बोले ना ना मैंने किसी नंबर ना दिया। फिर मैंने देखा उसकी डिटेल निकाल के कि तो मतलब कि फ्रॉड नंबर है। तो फिर क्या था, फिर उनका दोबारा फोन नहीं आया, वो मैं भी नहीं कराया वरना मैं बोलते हैं मैं भेजू थी खुद। मैंने सोचा बेचारा बुढ़ा के बेचारा के 2,000 का चक्कर 20,000 रुपये आ गए। तो और मेरे पास है ना मैसेज में दिखा रखे है कि भाई 15,000 20,000 पेमेंट है, लेकिन है ना वो टेक्स मैसेज दिखा रखे है, ना कि मतलब कि फोन पे गूगल पे की हिस्ट्री में ना दिखा रखे, ना मेरा बैंक मतलब कि बैंक डिटेल में शो हो रही। तो आपका पास भी सब कुछ हाव है तो फ्रेंड्स प्लीज, थार्थ रिक्वेस्ट है। तो आजकल पता उनके किस स्कैम चल रहा है कुछ नहीं पता, किस सॉन्ग चल रहे हैं, तो थार्थ रिक्वेस्ट हम बच के रही हो। और कदे आप सोचा कि बेचारा किसी गरीब आदमी के पैसे आ गए आप ही वापस लौटा दिया, तो ये सब कुछ को नहीं, ये सब भी आप फ्रॉड का चक्कर आप लूटन लग रहे हैं। तो प्लीज आपके मेहनत की कमाई वो 1 मिनट में लूट जाएंगे। के पता आप 18,000 भेजोगे, मैं 18,000 भेज देती क्योंकि मेरा अकाउंट खाली हो जाता है, मेरा अकाउंट में बहुत सारा बल्कि बहुत सारी सेविंग करके रख रखी थी मैंने, क्योंकि भाई फैमिली खातर अगर शादी वादी भी होने बल्कि अपना पता है फैमिली प्लानिंग बहुत सारी हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं थारते यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। तो बाकी इस सब की डिटेल स्कैम को ऊपर सबकी पूरी डिटेल मैं एक दिन वर्दी में लेकर आऊँगी, स्पेशली मतलब कि अपना डाटा निकलवा के साइबर सेल में, तो उसको अपना पूरी वीडियो लेकर आऊँगी। तो इतने थम नहीं बने रही, मैं कम एक पना करवा दी क्योंकि थम का अगर बूंदी लग गया है तो ओनली बस मैं चुनी सेट करवाना चाहूँगा और कुछ भी नहीं, चुनी सेट करवा का हूँ क्योंकि मेरी वह जो मोनिका थी ना उसने घर पर काम हो गया तो वह चली गई, तो कोई चुनी सेट करनी को नहीं मेरी, तो मैं चुनी सेट करवा लूँ बाग कर, और कोई वो को नहीं, मैं कमा का कुछ नहीं करूँ, बिल्कुल नेचुरल जाऊंगी, बिल्कुल नेचुरल, बस एक लिप गार्ड लगाऊंगी, बिल्कुल नेचुरल जाऊंगी, कोई वो नहीं है। तो मैं जल्दी पहुंच जाऊँ क्योंकि रात यहाँ यहीं पे हो चुकी है, तो मैं चले जाऊँ। और आज आप जाएंगे गड्डी लेकर ना, क्योंकि बाइक पे मैं लहंगा पैर कर जा नहीं सकती, तो आज मैं गड्डी चला कर लेकर जाऊँगी। तो आज गड्डी में ब्लॉग बनाने चलाएंगे, ठीक है। तो फाइनली देख लो अभी कनों तक निकल लिए हाँ। फ्रेंड्स मैं रूम पर पहुंच गई थी, मतलब कि मैं इसार पहुंच ली थी, और रास्ता में मौसी वाला छोरा था, उन्हें छोड़ रही थी कनों का मन, जिस तरह मौसी कनों बया रखी है, तो मौसी वाला छोरा मैं साथ लेके चली गई थी। मन लगा भाई रात में अकेली लड़की हुई थोड़ा हाँ थोड़ा सेफ फील को नहीं हुआ, क्योंकि कब तक 7 दिन कैसा माहौल मिले कैसा ना मिले, और सो भी मतलब कि कुछ भी बात का जरूरत पड़ सका है। तो बस पाबड़े में शादी में गई थी, और कनों है वो बुआ है, मतलब कि 2 किलोमीटर का फर्क था दोनों में, तो मैंने जानती नहीं भाई ने गाड़ी में बैठा लिया था, और फिर आंधिया ने रास्ता बता दिया था, फिर तो मागा धमा के लिए आई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी ऑर्डर वाली। तो मैंने सोची थी भाई क्योंकि एक तो लॉन्ग टी शर्ट में थोड़ा कंफर्ट फील हुआ, तो मैं इन सॉन्ग में और गाड़ी में थी, मैं लगा भाई कुछ भी अच्छा हो सका कुछ भी हो सका, तो इस वजह से मैं मौसी आज छोड़ा साथ में लेके चली गई थी। और बाकी मैंने बहुत मजे करा, बहुत इन्जॉय करा शादी में, और सब तक खास बात यह मेरे बहुत सारे फ़ैन वहाँ पर मिल गए, जो बराती आ रहे थे ना बराती भी मेरे बरातियाँ भी मेरे बहुत सारे फ़ैन पा गए, और मैंने बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्हें। और जो बाती आ रहे थे बातियाँ भी मेरे बहुत सारे फ़ैन मिल गए, और मैं पाबड़े गाँव में जा रही थी तो वहाँ के जो थे जो नॉर्मल मेरी एज के थे तो वो बहुत सारे मेरे फ़ैन मिल गए, बहुत सारे मेरे साथ सेल्फी ली, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ रियलिटी में कि कोई किसी ने रिस्पेक्ट दे। तो आप सबका थैंक यू। और बाकी आज का मेरा लुक यो था, देख लो मैंने आप तो दुपट्टा खोल दिया क्योंकि मैं थक गई थी, तो ये मेरा लुक था आज का। थमी बताइए थमी किसक लग गया, बाकी मैंने फोटो डाल दूंगी थमी में, तो मैंने बहुत प्यारा लगा मेरा लुक, बिल्कुल सिंपल सा लुक था, कोई भी नहीं था, बस झुमके डाल रखे थे और बस एक नॉर्मल सी चैन डाल रखी थी, और एक हाथ में कुछ भी नहीं था बिल्कुल खाली था, और एक हाथ में थोड़ी सी चूड़ी डाल रखी थी, खा दूंगा थमी ने बस ये चूड़ी से डाल रखी थी, और क्या था बस थोड़ा लिप गार्ड यूज़ कर रखा था और काजल डाल रखी थी, और बिल्कुल सिंपल था, कोई मेकअप नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो आप सब ने बोला था कि मैडम आपका मेकअप शूट नहीं करता, तो आप मेकअप तो ज़्यादा सिंपल अच्छे लगो, तो मैं इनकी बार सिंपल गई थी, और रियलिटी में मतलब कि बहुत तारीफ करी कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और सत्य बढ़िया मन लग गया, बिल्कुल सिंपल लहंगा, बिल्कुल सिंपल है, देख लो थमी देख
इसको, बिल्कुल सिंपल है और इतना प्यारा लुक आया था इसका, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आ रहा था। अब तो मैं दुपट्टा सेट कर रखा था, अब मैंने उतार दिया है, अब मैंने वीडियो बनाने खातर में थोड़ा सा ले लिया है। तो आप सबका थैंक यू, और ख़ास करके जिन्होंने मेरे दी यो स्पेशल मेरे खातर रेडी कराया उनका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आप सब मेरे ब्लॉग में यूँ बने रहा करो, यूँ प्यार सपोर्ट देते रहा करो। तो बहुत जल्दी आप तेरे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो अपने चैनल सब्सक्राइब करियो, वीडियो अड़े एंड करूँ क्योंकि रात के 4 बज लिए हैं और सुबह उठ के फिर मैंने वापस सोनीपत जाना था। हम देखा था सोनीपत आई थी स्पेशल शादी अटेंड करने और वापस मैंने सोनीपत जाना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग उठते रखना चाहूँगी मैं, तो प्लीज़ मेरा नींद आओ, मैं 1-1.5 घंटा सो लूँ फिर मैं निकलूँगी जल्दी सोनीपत खातर। और मैं बहुत थक रही हूँ और शादी दोपहर वाली मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन रात वाली मैंने अटेंड कर ली। दो बाना की शादी थी, एक की अटेंड करी, एक की नहीं करी मैंने, एक की अटेंड नहीं करी। वो कहने लगी थी बोली मेरी अटेंड नहीं करी, फिर मैंने उन्होंने प्रॉब्लम बता दी कि मैं सुबह चल तो जल्दी पड़ी थी लेकिन पूछ नहीं पाई टाइम पर। और फिर मैंने कि अपना जो ड्रेस है वो रेडी नहीं हो रही थी मेरी, वो भी थोड़ा उसमें वहाँ पर मेरा टाइम लग गया, तो उसने मैं सॉरी बोल दिया। वो मुझे खुश भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी और बहुत अच्छी फैमिली मिली उन्होंने अगर, तो उन्होंने बेस्ट विशेष देना चाहो थम भी दे दियो, बहुत अच्छा परिवार है और अगर बहुत अच्छे मिले उन्होंने। तो मेरी तरफ से सबने बहुत 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 सारा प्यार और कुछ को नहीं मैं सोचूँ प्लीज़। और थम इस चैनल ने बहुत दिया तो सपोर्ट कर दो। नेक्स्ट फिर ब्लॉग में मिलूँगा, फिर शादी का ब्लॉग आओ अपना, ठीक है? कच्चे काटियो, पतासे बाटे हो, ठीक है? तो बताइए था मैंने इस टाइप के, मैं 2-4 और मतलब कि रेडी करवा लूँगी, मैंने खुद ना बहुत प्यारे लगने लग गए, तो मैं रेडी करवाना चाह रही हूँ 2-4 और इसी टाइप में। तो था मैंने बता दियो रेडी करवाने या नहीं करवाने, 1 सेकंड रुको, देख लो मैंने मेरा फोन है वो अलमारी पर रख दिया है हमें दिखाने का तरफ, पूरा लुक मेरा देख लो हमें। तो ये देख पिन अभी तक पिन आटी है, यो यूं करते हैं पूरा, और यहाँ पर बैक पे नू लगा रखा था स्त्रिया लगा रखा था बैक पे, और यहाँ पे नॉर्मल सा लुक लेके, और यू पीछे यूं कर रखा था, पता नहीं मतलब बहुत प्यारा लुक आ रहा था। बाकी थम बता दो थम किस आया था, मतलब की बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक आ रहा था। तो थमें पता नहीं किसा लग गया, और हेयर स्टाइल यो था मेरा दो तीन और रेडी करवा दी।